हेलो दोस्तों मैं संदीप मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल एस एम क्लासेस में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी से जुड़े हुए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लाइकेन के बारे में तो आज के इस वीडियो में हम लाइकेन से जुड़े हुए लाइकेन के जनरल कैरेक्टर हैबिट एंड हैबिटेट और हैबिट एंड हैबिटेट के आधार पर कैसे लाइकेन को क्लासीफाई किया गया है इसके बारे में जानेंगे आज का यह वीडियो लाइकेन से जुड़ा हुआ फर्स्ट पार्ट है आने वाले दिनों में हम लाइकेन से जुड़े हुए जितने भी टॉपिक हैं उनको अलग अलग पार्ट में डिस्कस करेंगे तो आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं लाइकेन के जनरल कैरेक्टर के बारे में लाइके आर ए स्मॉल ग्रुप ऑफ कंपोजिट ओवर और डुअल ऑर्गेनिज्म डूल ऑर्गेनिज्म मीन्स ये जो लाइकेन है दे आर मेड अप ऑफ टू ऑर्गेनिज्म तो लाइकेन जो होते हैं दो ऑर्गेनिज्म से मिलकर बने हैं इसमें जो फर्स्ट ग्रुप है वो है एल्गल ग्रुप और सेकेंड ग्रुप है फंगल ग्रुप ऑलमोस्ट सेवेंटी थाउजेंड टू ट्वेंटी थाउजेंड स्पीसीज रिपोर्टेड तो लाइकेन की लगभग सत्रह हज़ार से बीस हजार जातियाँ रिपोर्ट की गई हैं लाइकेन इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट मेम्बर दैट इज़ वन इज ए फंगल कंपोनेंट्स वाइल द अनदर इज़ एन एलगल कंपोनेंट जैसा कि मैंने ऊपर आपको बताया था कि ये दो अलग अलग कंपोनेट से मिलकर बने हैं ये दो अलग अलग मेम्बर से मिलकर बने हैं एक है फंगल ग्रुप और दूसरा है एल्गल ग्रुप द एल्गल कंपोनेंट इज कॉल्ड फाइकोबायोंट ओ आर आर फोटोबायट वाइल द फंगल कंपोनेंट इज नोन एज माइकोबायोंट तो लाइकेन में जो एल्गल कंपोनेंट होता है उसे फाइकोबायोंट कहते हैं चूंकि ये फोटोसिंथेसिस करता है यानी कि फोटोसिंथेटिक रीजन होता है इसलिए इसे फोटोबायोंट भी कहते हैं जबकि जो फंगल कंपोनेंट है उसे हम माइकोबायोंट कहते हैं तो so, आप ये दोनों टर्म याद रखिएगा ये दोनों टर्म लाइकेन में एल्गी और फंजाई के लिए यूज किया जाता है फंगल कंपोनेंट बिलोंग टू क्लास एस्कोमाइसिटीज द आर लाइके्ड एस्को लाइकेन तो होता क्या है कि जो फंगल कंपोनेंट है लाइकेन में तो वो जनरली एस्कोमाइसिटीज -e के होते हैं और चूंकि ये रिप्रोडक्शन में डोमिनेंट होते हैं यानी कि ये लाइकेन में डोमिनेंट रोल निभाते हैं इसलिए ऐसे लाइकेन को हम एस्को लाइकेन कहते हैं तो कुछ लाइकेन ऐसे हैं जिसमें बेसिडियोमाइसिटीज पाए जाते हैं तो ऐसे लाइकेन को हम बोलते हैं बेसिडियो लाइकेन और कुछ लाइकेन में जो फंगल कंपोनेंट है वो डिटेरोमाइसिटीज से पाए जाते हैं तो ऐसे लाइकेन को हम बोलते हैं डिटेरो लाइकेस तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि अलग अलग फंगल कंपोनेंट के आधार पर लाइकेन को अलग अलग नाम से जाना जाता है यदि एस्कोमाइसिटीज मेंबर होते हैं फंगल के तो उसको हम बोलते हैं एस्कोलाइकेन यदि बेसिडियोमाइसिटीज के मेंबर होते हैं तो उसको बोलते हैं बेसिडियोलाइकेन और यदि डिटेरोमाइसिटीज़ के होते हैं तो ऐसे लाइकेन को बोलते हैं डिटेरो लाइकैन 26 सिक्स ऑफ लाइकेन हैज़ बीन रिपोर्टेड फ्रॉम लाइकैन ऑफ दिस 70 जनरा बिलोंग टू क्लोरोफाइसी 8 टू साइनोफाइसी एंड 1 टू जेंथोफाइसी वही हम बात करें लाइकैन में एल्गल कंपोनेंट की तो लाइकेन में एल्गी के 26 जनरा रिपोर्ट किए गए जिसमें से जो 70 जनरा है वो क्लोरोफाइसी से बिलोंग करते हैं आठ जनरा जो है वो साइनोफाइसी से बिलोंग करते हैं और वन जो जनरा है वो जेंथोफाइसी से बिलोंग करता है तो आप समझ सकते हैं कि जो लाइकेन है लाइकेन में सबसे अधिक एलगी के क्लोरोफाइसी जिसे हम ब्लू ग्रीन एलगी के नाम से जानते हैं ये मेंबर पाए जाते हैं मोस्ट ऑफ एल्गल मेम्बरेन आर यूनिसेलुलर बट ए फ्यू आर फिलामेंटस तो लाइकेन में एलगी के जो मैक्सिमम मेंबर होते हैं वो जनरली यूनिसेलुलर होते हैं परंतु कुछ जनरा ऐसे होते हैं जो कि फिलामेंटस होते हैं ग्रीन एल्गी ट्रिबॉक्सिया ट्रेंटोफोलिया कोकोमिक्सा ट्रिबॉक्सिया इज मोस्ट कॉमन फाइकोबाय तो लाइकेन में पाए जाने वाले जो ग्रीन एल्गी हैं उनमें से आपको जनरली ट्रिबॉक्सिया ट्रेंटोफोलिया कोकोमिक्सा ये देखने को मिलते हैं और जो सबसे अधिक ग्रीन एल्गी लाइकेन में देखने को मिलता है वो है ट्रिबॉक्सिया वही बात करें लाइकेन में पाए जाने वाले ब्लू ग्रीन एल्गी यानी कि साइनोफाइसी मेंबर के जनरा की तो उसमें आपको नास्टॉक साइटोनिमा, स्टिगोनिमा, ग्लियोकैप्सा एंड कैलोथ्रिक्स देखने को मिलते हैं तो ये जितने जनरा हैं ये सभी आपको लाइकेन में ब्लू ग्रीन एलगी के मेंबर के रूप में मिलते हैं एरिक एकेरियस इज नोन एज फादर ऑफ लाइकेनोलॉजी एरिक एकेरियस को फादर ऑफ लाइकेनोलॉजी के नाम से जाना जाता है बात करें हम लाइकेनोलॉजी की इट इज़ द ब्रांच ऑफ बॉटनी इन विच स्टडी ऑफ लाइकेन लाइकेनोलॉजी द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विथ स्टडी ऑफ लाइके द टर्म लाइकेन वॉज फर्स्ट क्वाइंट बाई थियोफेस्टस तो सबसे पहले टर्म लाइकनोलॉजी दिए थे थियोफेस्टस ने ए साइंटिस्ट हैज़ स्पेशाइज्ड इन द स्टडी ऑफ लाइकेन इज कॉल्ड लाइकेनोलॉजिस्ट तो लाइकेन के बारे में अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों को हम लाइकेनोलॉजिस्ट कहते हैं द टर्म सिम्बियोसिस विच आर मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज इन केस ऑफ लाइकेन दैट इज सिम्बायसिस दर्म सिम्बियोसिस वो एक टर्म सिम्बियोसिस जरूर देखने को मिलेगा टर्म सिम्बियोसिस थे डिबेरी आइए समझते कि सिम्बायोसिस होता क्या है इन सिम्बयिस टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म लिव टूगेदर एंड बोथ आर बेनिफिटेड टू ईचर समर्म म्यूचुअलिज्म आर यूज एज ए सिम्बियोसिस तो सिम्बियोसिस में होता है क्या है कि जब दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ रहते हैं और एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाते हैं तो उसे हम बोलते हैं सिम्बियोसिस सिम्बियोसिस की जगह म्यूचुअलिज्म भी यूज़ होता है तो आप सिम्बियोसिस बोले या फिर म्यूचुअलिज्म बोल दें तो बात एक ही है आप इसको याद रखिएगा तो लाइकेन के केस में सिम्बायोसिस क्यों यूज़ हुआ है क्योंकि हमने अभी देखा कि लाइकेन में दो कंपोनेंट पाए जाते हैं एल्गल और फंगल तो जो फंगल कंपोनेंट होता है वो हैट्रोटॉपिक होता है यानी कि अपने फूड का फॉर्मेशन नहीं करता तो ये क्या करता है एल्गल कंपोनेंट को वाटर न्यूट्रिशन और सेल्टर देता है जबकि बदले में जो एल्गल कंपोनेंट होता है वो फोटोसिंथेसिस करके फूड जो होता है फंगल कंपोनेंट को देता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों को एक दूसरे से बेनिफिट है इसलिए लाइकेन के केस में टर्म सिम्बियोसिस यूज़ किया गया और टर्म सिम्बियोसिस किसके द्वारा दिया गया दिया गया डिवाइरी के द्वारा सिम्बियोसिस इज यूज टू डिस्क्राइब द इंटीमेट एसोसिएशन बिटवीन टू डिस्टेंटली मीन्स डिफरेंट रिलेटेड स्पीसीज दैट आर म्यूचुअली बेनिफिटिंग फ्रॉम दिस एसोसिएशन तो मैंने ऊपर ही आपको बताया था कि सिम्बियोसिस का मतलब है कि जिसमें दोनों ही पार्टनर क्या हो बेनिफिट लेते हों इन लाइकेन सिम्बियोटिक एसोसिएशन कैन बी सीन बिटवीन एलगी एंड फंजाई तो ऊपर ही मैंने बताया था कि लाइकेन में जो सिम्बियोटिक एसोसिएशन है आपको एलगी और फंजाई में देखने को मिलता है सम साइंटिस्ट हैव बीन व्यू दैट दिस टाइप ऑफ सिम्बियोसिस इज कॉल्ड हेलोटिज्म विच मीन्स मास्टर स्लेव रिलेशनशिप तो कुछ वैज्ञानिक ऐसे भी हैं जो कि लाइकेन में पाए जाने वाले इस सिम्बियोसिस रिलेशनशिप को हेलोटिज्म कहते हैं हेलोटिज्म का मतलब यह है कि लाइकेन में पाए जाने वाले जो दो कंपोनेंट है एलगी और फंजाई तो उसमें से एक कंपोनेंट क्या करता है बिहेव करता है मालिक की तरह मास्टर की तरह और दूसरा बिहेव करता है एज ए स्लेव यानी कि नौकर की तरह तो ऐसा क्यों है मैं आपको समझा देता हूँ हेलोटिज्म क्यों यूज़ किया जाता है लाइकेन के लिए तो जैसा कि मैंने बताया कि जो टर्म हेलोटिज़्म है ये यूज़ किया जाता है सिम्बियोसिस ऑफ एलगी एंड फंजाई के लिए यानी कि लाइकेन के लिए फंगस सेंड हास्टूरिया इन एल्गल सेल एंड लाइकेस एल्गा टू सिक्रीट ऑर्गेनिक सबस्टेंस एंड प्रिवेंट एल्गी टू डेवलप पैक्टिक कवरिंग इट मीन्स फंगस इज़ ए कंट्रोल्ड पैरासाइट ओवर द एल्गी सच रिलेशन इज कॉल्ड हेलोटि तो जैसा कि आप सभी जानते हैं जो फंगस होता है उनमें हॉस्टूरिया पाई जाती है जिसके थ्रू वो न्यूट्रिशन को एब्जॉर्व करते हैं तो लाइकेन में होता क्या है जो फंगस होते हैं वो हॉस्टूरिया को एल्गल सेल के अंदर भेजते हैं और उन्हें इंड्यूस करते हैं फॉर द सिक्रिएशन ऑफ ऑर्गेनिक सबस्टेंस और इसके साथ साथ ये एल्गल सेल को लाइकेन में कवरिंग बनाने से रोकते हैं इसका मतलब ये हुआ कि जो फंगस है वो पूरी तरह से एल्गल पर कंट्रोल रखता है इस कारण इसे बोला जाता है हेलोटिज क्योंकि यहाँ पर जो फंगस है वो बिहेव करता है मास्टर की तरह यानी कि मालिक की तरह जबकि जो एल्गी है वो बिहेव करता है स्लेवर यानी कि गुलामों की तरह तो इसलिए कुछ वैज्ञानिक सिम्बियोसिस की जगह टर्म हेलोटिज्म भी यूज़ करते हैं आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि हेलोटिज्म क्या होता है तो ये तो बात हुई लाइकेन के जनरल कैरेक्टर के बारे में आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं लाइकेन के हैबिट और हैबिटेट के बारे में मोस्टली लाइकेन ग्रो इन कूल टेम्परेचर पोल्यूशन फ्री इन्वामेंट एंड प्लेस विथ इनफ ह्यूमिडिटी एंड मॉडरेट रेन तो लाइकेन प्रायः ऐसे जगह पर रुकते हैं जहाँ पर टेम्परेचर कम होता है पोल्यूशन नहीं होता है या पोल्यूशन कम होता है इसके अलावा वहाँ पर ह्यूमिडिटी और बहुत अधिक मात्रा में बारिश होती है तो इन सभी कंडीशन में लाइकेन ग्रो करना पसंद करते हैं दे कैन ग्रो ऑन ट्री ट्रंक्स लीव्स बेयर रॉक्स तो ये प्रायः जो पेड़ है पेड़ के लट्ठों पर पत्तियों पर मिट्टियों पर और रॉक यानी कि जो खुली चट्टाने हैं उन पर ग्रो करते हैं और बेयर रॉक पे पाए जाने के कारण इन्हें हम बोलते हैं पायोनियर ऑफ प्लांट कम्युनिटी तो जब आप इकोलॉजी पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको ये टर्म देखने को मिलेगा तो आइए हम देखते हैं कि हैबिटेट के अकॉर्डिंग कैसे लाइकेन को क्लासीफाई किया गया है हैबिटेट क्या होता हैबिटेट है इज द एड्रेस ऑफ ऑर्गेनिज तो हैबिटेट का मतलब वह ऑर्गेनिज जहाँ रहता है उसे हम उसका हैबिटेट कहते हैं तो इसमें सबसे पहला है सेक्सिकोलस द लाइकेन ग्रो ऑन रॉक्स और स्टोन्स आर कॉल्ड सेक्सिकोलस लाइकैन तो ऐसे लाइकेन जो कि चट्टानों और पत्थरों पर उगना पसंद करते हैं उन्हें बोलते हैं सैक्सीकोलस लाइकैन सेकेंड है कार्टिकोलस लाइकन दोज लाइकैन विच आर ग्रो ऑन ट्री बाग्स आर कॉल्ड कार्टिकोलस लाइक एन थर्ड है फोलिकोलस लाइकेन द लाइकेन विच ग्रो ऑन लीव्स आर कॉल्ड फोलिकोलस लाइकैन नेक्स्ट इज टेरी कोलस लाइकन द लाइकैन विच ग्रो ऑन सॉइल सरफेस इज कॉल्ड टेरिकोलस लाइकन फ्यू स्पीसीज ऑफ लाइक आर एक्विटिक लाइक पेल्टीजेरा विच ग्रो इन मेरीन वाटर तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है याद रखेगा कि कुछ लाइकेन की जातियाँ होती हैं जो कि जली होती हैं जैसे कि पेल्टीजेरा जो कि समुद्री जल में पाया जाता है क्लेडोनिया रेंजीफेरिना विच इज़ कॉमनली नोन एज रेनडियर मॉस ग्रो लग्जरियस इन ट्रा यदि बात करें हम लाइकेन क्लेडोनिया रेंजी जिसे रेंडियर मॉस के नाम से जाना जाता है ये आपको टुंड्रा प्रदेश में बहुत आयक मात्रा में देखने को मिलेगा तो टुंड्रा ये ऐसा पोलर रीजन है जहाँ पर वर्ष भर बर्फ ढके होते हैं तो इस क्षेत्रों में आपको क्लेडोनिया रेंजी देखने को मिलता है तो दोस्तों ये था हमारा लाइकेन से जुड़ा हुआ फर्स्ट पार्ट दोस्तों अक्सर आप कमेंट करके पूछते हैं कि सर इसका नोट्स मिलेगा या नहीं मिलेगा तो मैं आपको बता दूं कि जो भी मटेरियल मैं आपको वीडियो में प्रोवाइड कराता हूं, आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने नोट्स बना सकते हैं मैं आपको बता दूं कि अभी मेरे पास ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है कि मैं आपको पीडीएफ के फॉर्म में इसके नोट्स प्रोवाइड करा सकूं। इन फ्यूचर यदि पॉसिबल हुआ तो मैं ज़रूर आपको सभी टॉपिक के नोट्स प्रोवाइड कराऊँगा तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं लाइकन से जुड़े हुए इसके सेकंड पार्ट में आपको आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में इसे शेयर करना मत भूलेगा और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिएगा और ऊपर की ओर जो ऑल का ऑप्शन है उसे सेलेक्ट कीजिएगा ताकि जब भी मैं इस तरह के वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप पर पहुँचे तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय जा भारत